दिल्ली में आपके खिलाफ कांग्रेस और बीजेपी आएंगे एक साथ। आपका दावा, निर्दलीय पार्षद के सहारे मेयर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। बीजेपी पहले ही मेयर चुनाव नहीं लड़ने का कर चुकी है ऐलान। मेयर पद पर आप उम्मीदवार को चुनौती दे सकता है निर्दलीय पार्षद। दिल्ली में 6 जनवरी को मेयर पद का चुनाव होना है। ये तय है कि दिल्ली में पहली बार आम आदमी पार्टी का मेयर बनेगा। मेयर की सीट महिला वर्ग के लिए आरक्षित है और आपकी ओर से इसके लिए शैली ओबराय के नाम का ऐलान भी हो चुका है। डिप्टी मेयर पद के लिए आपकी ओर से मटिया महल से विधायक स्वैब इकबाल के बेटे आले मोहम्मद इकबाल को उम्मीदवार बनाया गया है। दोनों की जीत तय मानी जा रही है क्योंकि निगम में मुख्य विपक्षी पार्टी बनकर सामने आई बीजेपी ने अपना उम्मीदवार नहीं देने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी की कोशिश है ये कम से कम 15 महीने आपको निगम चलाना चाहिए। आपने जो बड़े बड़े वादे किए हैं उनकी पोल खुल जाएगी। जिन कूड़े के पहाड़ों को हटाने का दावा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, 15 महीने बाद उस वादे की हकीकत दिल्ली के सामने आ जाएगी। बीजेपी की ओर से संकेत साफ साफ दिख रहे हैं कि वो मेयर और डिप्टी मेयर का पद का चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन आपको अभी भी डर लग रहा है कि बीजेपी अंतिम समय पर खेल कर सकती है। 6 जनवरी को मेयर पद का चुनाव होना है और तब तक बहुत कुछ हो सकता है। आपके राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने तो यहाँ तक ऐलान कर दिया है कि बीजेपी का दावा झूठा है। बीजेपी कह रही है कि वो मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव से दूर रहेगी, जबकि वो निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाने के लिए तैयार कर रही है। चुनाव में बीजेपी की ओर से निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन किया जाएगा। आप में सेंधमारी की कोशिश भी बीजेपी की ओर से हो रही है, लेकिन आपके पार्षद ईमानदार हैं, वो बीजेपी के किसी भी लालच में नहीं आएंगे। राघव चड्ढा ने कहा कि बीजेपी को चुनाव लड़ना है तो सामने आए, निर्दलीय उम्मीदवार को आगे ना करे। चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। अगर बीजेपी को चुनाव लड़ना था तो अपनी पार्टी को आगे रखकर चुनाव लड़ते। निर्दलीय के सारे चुनाव क्यों लड़ रही है? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कही जाने वाली बीजेपी पीछे से निशाना क्यों साध रही है? एक निर्दलीय प्रत्याशी के कंधे पर सहारा लेकर क्यों लड़ाई में उतरती है? बीजेपी को सोचना चाहिए कि दिल्ली की जनता ने उसे एमसीडी की राजनीति से बाहर कर दिया है। राघव चड्ढा ने कहा कि बीजेपी ने दिल्ली की जनता के सामने एक घोषणा की थी कि एमसीडी में हार के बाद वो मेयर के चुनाव में अपना कोई प्रत्याशी नहीं घोषित करेगी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बीजेपी एक निर्दलीय उम्मीदवार को चुनाव में खड़ा करने जा रही है। बीजेपी हर संभव प्रयास करेगी कि एमसीडी के मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी को कैसे रोका जाए। आम आदमी पार्टी की ओर से तो यहां तक दावा किया जा रहा है कि आपको रोकने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने हाथ मिला लिया है, और निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन बीजेपी के साथ कांग्रेस भी कर सकती है। ऐसे में अगर आपके दावों में सच्चाई होती है तो फिर दिल्ली के मेयर का चुनाव बेहद दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि शहरी निकाय में दल बदल कानून लागू नहीं होता है। अगर पार्षद अपनी पार्टी से बगावत कर देता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। पार्टी सिर्फ उसे अपने पद से निष्कासित कर सकती है, लेकिन सदन से उसे निष्कासित नहीं किया सकता। वो सदन का सदस्य बना रहता है और दूसरे सदस्यों की तरह उसे भी सभी अधिकार मिले रहते हैं। ऐसे में अगर बीजेपी ने आप कुछ पार्षदों को भी अपने पाले में कर लिया तो फिर मेयर पद का चुनाव बेहद दिलचस्प हो जाएगा, और इसी का डर आप नेताओं को लग रहा है। राघव चड्ढा के बयान वाला वीडियो आपने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर किया है, इससे आप मामले की गंभीरता का आकलन कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।